सो गाइस आज है संडे मॉर्निंग एंड काफ़ी महीनों बाद आज यूएफसी का कार्ड है। तो अभी जो है सुबह 8 बजे से फुल मस्ती टाइम होना है, वीडियो शूट करनी, लेकिन इसके बाद करूँगा। और अगर मेरा फेवरेट फाइटर जीत गया तो अगली वीडियो अच्छे से शूट हो पाएगी, आज अगर हार गया ना तो साइड में ऐसे लगा दूंगा एक तरफ ना कि कोबी कोविंगटन लॉस्ट, दैट्स व्हाई आउटपुट इज नॉट द सेम। अब खाने वाली आंटी रोज आ रही तो हमारी सफाई वाली गायब होगी, और पैसे मांगे थी जाने से पहले, यूं कह थी कम से कम। मैंने रिव्यू पढ़े अभी उनके माई गेट पे, दोनों के नहीं सफाई वाले के, हाँ लायर चीटर, एक ने लिख रखा कि एकदम से काम करते हुए गायब हो जाए, इनका कोई भरोसा नहीं, तो मुझे लग रहा है सही हो गया। हाँ वो पहले भी 2-3 महीने के लिए गायब हुई थी। और आज क्या हुआ मेरे साथ, हम ना नीचे शूट कर रहे थे और हमारे जो मेमोरी कार्ड था ना, 3 मेमोरी कार्ड हैं 4, जिसमें 2 थोड़े कम मेमोरी वाले हैं, 2 बहुत बढ़िया मेमोरी के और बहुत फास्ट कार्ड है। उनमें से एक रचित अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके घर ले गया, तो दूसरा यहाँ था वो गुम गया। तो पहले तो उस कार्ड को ढूंढने में मैं भी उठ गया नींद में से, हर्ष ढूंढ रहा उसे 1 घंटे से ऐसे ऐसे करके बहुत देर हो गई। फिर ट्राईपोर्ड का एक सॉकेट सा था वो गुम गया, फिर वो नहीं मिला, मतलब वो भी कहीं रखा हुआ रचित ने, हमें नहीं मिला। उसके बाद ऐसे ऐसे में ही ना मतलब इतना दिमाग खराब हो गया कि मैं वीडियो शूट करने आया, हर्ष कहने लगा कि तू कर ले पहले, 20 मिनट का काम था ऐसे, मैं पूरा सेटअप वेटअप करके 20 मिनट वीडियो में भोंकता रहा। और जब दिमाग अपसेट हो ना, ऐसा हो जाए कि मैं 20 मिनट बोल दिया, फिर पता चला कि मैंने रिकॉर्डिंग का बटन ही ऑन नहीं करा था। उसके बाद रिकॉर्डिंग का बटन ऑन करा, मेरा पूरा मुंह सूख गया, वापस पानी पिया और जाके वापस अब रिकॉर्ड करा। मतलब हम 12 बजे शूट करने वाले थे और अब 4:15 बज रहे शूट में ही। ये कहना ना कि बस दिन की बात है, आज दिन नहीं है, आज दिन है, वो बात सची है। मैं ना सुबह 6 बजे से रेडी बैठा, मैं यहाँ आके अपना एक छोटा सा शूट करूँगा, लेकिन शाम के 4 बज गए, कोई जो है मौका नहीं लग पाया शूट करने का, कभी तो कुछ हो गया कभी कुछ। आज स्टूडियो में आया मैं लगभग 1 हफ्ते बाद, रे है नहीं, अब जो है इधर चीज़ें पड़ी इधर उधर सारी, स्टूडियो में ऐसा लग रहा जैसे टोर्नेडो आ गया हो। यहाँ पे सारा सामान जो है, माइक बैटरी अपनी जगह रखे हुए थे, सब अलग अलग, कम से कम मैंने 20 चक्कर मारे ऊपर से नीचे, तब भी पूरा सामान बटला नहीं हुआ। साला जिस दिन मैं फ्री होता हूँ उस दिन कोई फ्री नहीं होता, और जिस दिन सब फ्री होते हैं उस दिन मैं फ्री नहीं होता। ये भाई वीकेंड पे मिलते हैं भाई, वीकेंड पे काम आ गया, चलो भाई वीकडे पे मिलता रहे भाई, वीकडे पे तो मुझे काम है, यही सब चलते चलते यार हर किसी से दोस्ती टूट गई। वही है, ऑन रिपीट ऑन लूप चल रही मेरी लाइफ। मैं किसी को वीकेंड पे बोल लूँ मैंने कहा भाई मिलते हैं, तो कहेंगे यार हमें काम है वीकेंड पे, तो हमने अपना प्लान पहले सॉर्ट किया हुआ था वीकडे पे मिलते हैं, वीकडे पे कभी मुझे काम आ गया, कभी वीकडे पे उन्हें ऑफिस का काम आ गया, फिर वीकेंड पे वही, मैंने कहा यार इस बार वीकेंड पे मुझे काम है भाई, मिलते हैं भाई। 4 साल तो हो गए। और मुझे ये भी सुनने में आया है कि कुछ लोग नोएडा में भी सनसेट देखने जाते हैं, मतलब नोएडा में भी लोग सनसेट देखने का शौक रखते हैं। बताओ, सूरज अपना काम कर रहा, लोग उसे देख के खुश हैं। ओ वाह भाई वाह, डल गया। ओहो भाई मजा आ गया भाई। मैं और मर गए 2 घंटे भूखने के बाद, अब मैं फाइनली लंच करूंगा, अभी शाम के 6 बजे हैं। और आज जनप्रीत जो है साग लेके आया, घर पे साग बना था, घर का साग, मतलब मैं खाने के लिए बहुत ही ज्यादा उत्सुक हूँ। सर्दियों के बारे में बस 2 ही अच्छी चीज है, एक तो साग, हाँ दोनों सहस है, एक तो साग और दूसरा साला सोते हुए चुरा लिया जो, एक तो साग है दूसरा सांप, दूसरा सांप की मस्ती। वो सांप का साइज एडजस्टेबल है। अच्छा येलो ही पहन रहा है तू भी, बता ऐसा हो सर्दियों में तो यूं उतार के सर, नहीं मारूंगा साली मैं इस रात लगा तेरे को मारूंगा चांट। आज मैं तुम्हें अपनी बहुत सारी फीमेल फ्रेंड से मिलूंगा। आ रही है कोई? हाँ कौन? मेरी कॉलेज के कुछ दोस्त हैं। अरे हाँ कौन कौन? लड़कियाँ, गेस कर। वो मुझे तो पता लगता नहीं है, नहीं मेरी कॉलेज की कोई लड़की दोस्त है तो थी थी वही है सारे प्रपोज मार मार के बेकार कर दी दोस्ती तक बात नहीं रखी, बात आगे बढ़ाने की सोची सबसे। नहीं रखा कॉलेज के दोस्तों के नंबर तो है नहीं मेरे पे। अच्छा मुझे लगा कोई यार ऐसा, जब कोई यूं कहना कोई यार तो एक्साइटमेंट सी हो, फिर कोई आता नहीं तो फिर ऐसा लगे कि खाली अकेले से रहेंगे। आज तो आ रहा पैसा कमाना, कौन आ रहा? वो रखा अलमारी में रील के लिए लाया जाने का, जैक डेनियल्स। अच्छा घर से दूर रहते हुए अगर घर का खाना मिल जाए तो मजा ही अलग है। अभी मैं सोच रहा कि इसके बाद आधे घंटे बाद बाहर जाया जाए भाई। वाह भाई वाह, वाह 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 वाह। पर ये आधी रोटी कौन रख के गया, क्या मजा आ जाएगा यार इसमें तो। पर मजा पता खाने का कहाँ खाने में है, ये यहाँ, क्योंकि यहाँ खाने से नाश हो गया। तो अभी हम लोग किंग्स हार्ट लाइव वाले चैनल पे लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करने वाले हैं, और उसके लिए थोड़ा एनर्जी बूस्ट के लिए रेडबुल लेने आया था। रेडबुल क्या रखे है कि थोड़ा सा आँख खुली भी रखे है, क्योंकि आज कर रहे हैं 10:30 बजे, तो उसमें ऐसा होगी इंसान को अगर नींद आती रहे, 2 घूंट मार लो
एकदम फिट हो जाए इंसान, दोबारा एनर्जी साफ है, फिर फुल बदतमीजी निकले। मतलब जितनी अनफिल्टर्ड बातें यहाँ हुए ना व्लॉग पे, उससे भी 10 गुना ज्यादा अनफिल्टर्ड चीज अगर तुम्हें देखनी तो लाइव पे आ जाओ। और लाइव स्ट्रीम से पहले थोड़ा सा भोजन, हमने आज वैसे राजमा चावल बनवाए थे, लेकिन अभी इसे हम स्नैक टाइम ही कंसिडर कर रहे हैं। वैसे तो डिनर टाइम हो चुका, आजकल काम डबल शिफ्ट में चल रहा, रात की लाइव स्ट्रीम के बाद भूख लगेगी, उस वक्त पे मैदा खाना सही नहीं होगा, तो तब खाएंगे हम राजमा। अच्छा, मैं सोच रहा राजमा चावल खा रहा, तू भी हेल्थ कॉन्शियस ही हो रहा अपनी तरह। वाह भाई, तुम तो करण ओजला के गाने सुनो भाई, तुमसे तो सेट होना पड़ेगा। वाह, इस लड़के के पास तो काफी माल जमा होगा, ये तो करण ओजला फैन है। आज तीनों टाइम का खाना बिल्कुल सही खाया, फिर भी मैगी खा रही बीच में। और आज मैं तीसरी बार कपड़े बदल रहा, सबसे शुरू में सुबह दूसरी वीडियो शूट थी, फिर दूसरी बार येलो जैकेट पहनी हो तब दूसरी वीडियो शूट थी, और अब हमें लाइव जाना तो अब ये पहनना, नहीं तो लोगों को ऐसा लग जाए सारा इन्होंने एक ही दिन शूट कर दिया। करा एक ही दिन पर लोगों को दिखाऊंगा कि तेरे सिर पे फिश आई इफेक्ट सा क्यों लग रहा आज? मेरे सिर पे बड़ा लग रहा, सिर बड़ा हो रहा है। वाह भाई, तुम्हारे घर में तो पीछे पिंक दीवार है, अपनी कच्ची भेजनी पड़ेगी तुम्हें तो पार्सल करके। एक बड़ी शानदार तड़कती भड़कती अनफिल्टर्ड बदतमीजी से भरी हुई लाइव स्ट्रीम एंड करी है, इस चैनल पे एक अलग ही चेहरा है, अलग ही मजा है, लेकिन वही है व्हाट हैपेंस हियर स्टेज हियर करके। बस बस बस, वेगास की तरह है, व्हाट हैपेंस ऑन किंग्स ऑन लाइव नेवर हैपेंस, वो वाली बात है। बस यही वाला इस स्ट्रीम पे, जो यहाँ हो, जो यहाँ ओपिनियन दिए जाओ, यही तक रहे। यहाँ की ऑडियंस को बिल्कुल चुप रहना, यहाँ देख के ऐसे प्रिटेंड करना कुछ सुना ही कुछ हुआ ही नहीं। और ये दो लड़के कोई और है जो यहाँ पे आगे लाइव बैठे हैं, टीम है, वो ये कोडिंग करते हैं, जो कोडिंग नहीं करते ये गोडिंग कर रहे हैं, ये मजे लें। चलो भाई, चलो मैगी खुआ के, वैसे ही सेहत खराब कर रखी। आ जा रहा है आज तो वही है, आज तो तू ही है मेरा नंबर वन एडिटर। कल को आ रहा है कौन आ रहा कल? रे, रे को तो सुबह सुबह रे के तो पेपर तैयार कर दिया मैंने। यार कोई अगर डॉक्टर है मुझे ये बताओ, ये कोई बीमारी है क्या कि हम लोग रात को ज्यादा एक्टिव हो जाएं, सुबह आलस में घूमते रहें? ऐसा भी नहीं कि सुबह जब नहीं उठ रहे तब आलस में, सुबह उठने के बाद भी आलस में, कम से कम 3-4 बजे तक, अगर 3-4 बजे से एनर्जी ऐसी बढ़ती चली जा, क्या हो गया भाई? ये प्रोफाइल बहुत जबरदस्त है यार, ये प्रोफाइल बहुत जबरदस्त है आपकी। आपको तो सीधा स्टेज पे ले जाके इसी प्रोफाइल के साथ रखना पड़ेगा बिल्कुल। ये जब ब्लॉग में मिनट कम पड़ जाते हैं, ऐसी ऐसी चीजें दिखानी पड़े, मतलब ये फन ठीक है, सही है। आओ बैठो, वो वीडियो तो आज तो वीडियो तू ही कर रहा है एडिट। हाँ। हो जाएगी ना कल सुबह 5 बजे तक तो? यस, इस स्पीड से खाली कट लेंगे इस स्पीड से तो। हाँ। देख एक बात बताऊं तुझे, आधी वीडियो में लग लिया कट रचित का। हाँ। है ढूंढो कुछ, क्या ढूंढू रचित का? रचित को टक्कर देने वाली चीज बनो, ऐसा तो भारी होते चले जाएंगे उसके टेस्टिकल्स। तो मतलब आप वो है फाइनल, तो एक मसाला सा उससे छिड़कवाना ही पड़ रहा है वीडियो में, तो क्या दिक्कत है? हम सबको थोड़ा ओवर पावर्ड होना पड़ेगा 3 वर्सेस 1 में तो। मतलब ऐसा हो कि एक भाई फोटोशॉप अच्छी चला ले, एक प्रीमियर प्रो अच्छी चला ले, और एक का इंस्टाग्राम आगे निकल रहा हो, तो कहीं ना कहीं उसे दाब के रखे इंस्टाग्राम। तो रचित थाला बोरा रीजन हो जाएगा कि सबने ट्रॉफी तो जीती लेकिन थाला ना खेल लेना सारी जीत ली। इंस्टाग्राम छोड़ के तो मेरा सभी बढ़िया नहीं, मैं इंस्टा पे तो मैं जो है लगा हुआ, तुम प्रीमियर प्रो पे लगो, ढाका को फोटोशॉप पे लगाओगे, वही रचित को मुंह तोड़ जवाब देंगे 2024 में। यू आपका वो है क्या? क्या ये मेरा 2024 का रेजोल्यूशन है? अब ये मेरा तो भाई 4K है। वो कहाँ गया ढाका? एकदम गायब हो गया। बाहर चले गया, बाहर तो सैडनेस ही सैडनेस है, बाहर अंधेरा, लाइट है उसकी याद, वो भी मेरे साथ, वो भी मेरे साथ यहीं बाहर एक बेंच पे बैठा करती थी। इस टाइम ऐसा हो रहा है बस, आपको बताओ शाम में किस टाइम आया? किस टाइम? यहाँ किस टाइम? मैं लाइव शुरू होने से आधे घंटे पहले। तो क्यों, क्या हो रहा, सो रहा था तू? मैं बैठा था। क्यों परेशान है क्या तू? परेशानी वाली बात है, बोल रहा लड़कियां वेट करें इन सब बातों का। अरे बिल्कुल बढ़िया प्रोफाइल पकड़ा तो। ओए ओए बताओ बताओ बताओ, हट जा बस, तूने पेंटिंग का वो घट रहा यार तेरी वजह से ना। पैसे कम हो गए इसके। कितने की ली थी वो? वो बता दूंगा तो शो ऑफ ही हो जाएगा। ये मैंने ऑक्शन में ली थी मैंने 40K। अच्छा ये बताओ पेंटिंग ऑक्शन में क्यों ले रहे लोग? टैक्स बचे और तेरे जैसे कुछ नहीं है, बात सुन गया, ऐसा कुछ नहीं है, बस फैंटेसी रहे सालों की खरीदने की। मैंने यूं सुना कि भाई देख क्या हो, देख सुनो 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 बात है, आर्ट आर्ट जो हाँ। हमारे देश में तो शायद आर्ट सर्विस में आ गया कि इस पे TDS VDS कटता है अब। हाँ।
लेकिन कुछ भी पेंटिंग बना के बेच लो ना, वो वाला काम है एनजीओ वाला, कि पैसे पर टैक्स नहीं है, तुमने उसे दिया उसने तुम्हें कैश पकड़ा दिया। मैंने एक चीज सुनी कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ जमीन और पेंटिंग ऐसी चीज है जिसपे पैसा घटता नहीं, या तो रुक जा या फिर बढ़ता रहे। पेंटिंग तो बस वो है, मैंने तुझे मिट्टी बेच दी, नहीं वो तो है, वो वाला काम है समझो। अमीर आदमी महंगी पेंटिंग क्यों ले, जमीन से क्यों वो करे कंपेयर, किसी चूते ने बता दी तुझे। अरे नहीं नहीं फंस गए, अरे नहीं दारू पिए हुए को फंस गया किसी दिन तू, बंदे कौन सा खरीद रखी है ये, उनकी सीधी पेंटिंग हुई तो महंगी भी है, और जो म्यूजियम में कुछ कुछ सामान नहीं हुई रहे उनको बस 50 साल पुराना और उसके लगा रखे अंधाधुन पैसे, हाँ। वही वाला। लेकिन इंडिया में तो अब सर्विस पे टैक्स हो गया ना, एनजीओ पे नहीं, लेकिन यहाँ भी, इसलिए तो लोग एनजीओ खोल रहे हैं। एक ऐसा भाई क्या कहना चाह रहे आप, ये बहुत लोगों को समझ आ गया होगा, लोग बोलेगा गरीब बच्चे खाना खा रहे, ये नहीं पता अमीर ही खा रहा अपना खाना वो भी उल्टा, बड़ी चीज खोल दिया तो सफाई वाली आंटी नहीं आई किचन का, वही वाला हाल हो गया। एक वो जो रील वायरल नहीं है, ये देखिए पड़ी एक दड़ी प्याज, 100 किलो टमाटर, यहाँ से जड्डा आया, इसमें सहरा सरिया पतली सी चादर, वो कुली ऊपर विंडो हमारे भी खुल रही भाई, वो वही वाला हाल हो गया यहाँ तो, पता नहीं अब तो हाथ में ले लेकर खाना पड़ेगा रात का खाना तो। अच्छा यहाँ से तो बढ़िया हवा आती होगी ऊपर से, हाँ कई दिन नंगा बैठ के देगी इस पर। यार मैंने कभी ना वो नहीं बनाया ऐसा, ये शीशे में ऐसे बनाते हैं ना वीडियो यूं करके, कि व्लॉग में नहीं बनाया, मतलब ऐसे तो बनाया मैं भी कंपनी हूँ पर व्लॉग में हूँ। अरे पीछे मेरा कच्चा दिख गया था, अभी प्राइवेसी का इतना उल्लंघन भी नहीं चाहिए क्या, मतलब लक्ष्य भाई पहले तो दिखा रखे अच्छे अच्छे सब बताओ। चलो भाई इसको भी खत्म करते हैं। तुम्हारा भाई अब बहुत बड़ा हिंदी का स्कॉलर बनने वाला, मतलब तो मेरी जुबान से तुम कुछ नेक्स्ट लेवल अजब गजब खतरनाक ही सुना करोगे, मतलब यही कहा करोगे अरे भाई लक्ष्य भाई हमारे से ब्याह कर लो, तुम तो इतना बढ़िया बोलने लगे।